This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. Zomato के शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है। इस शेयर में खरीदारी की ट्रेंड जारी है। IPO के बाद से ही शेयर में खरीदारी देखी जा रही है। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली भी देखी जाती है। आज के कारोबार में Zomato के शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। Zomato का शेयर आज करीब 10% मजबूत होकर 137 पर बंद हुआ। IPO से अब तक Zomato निवेशकों की अच्छी कमाई करा चुका है। IPO से अब तक Zomato का शेयर करीब करीब डबल हो चुका है। Zomato का इशू प्राइस 76 रुपए था, जबकि आज शेयर का भाव 137 पर पहुंच चुका है। Zomato की लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी। अब सवाल इस बात का है कि आज Zomato के शेयर में तेजी क्यों आई। दरअसल Zomato के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। पहली तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़ गया है, लेकिन आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिजनेस में जोरदार बढ़त की वजह से ही शेयर में नई तेजी देखने को मिली है। अप्रैल जून के बीच Zomato का घाटा 256% बढ़कर 356 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में ये घाटा 99.80 करोड़ रुपए था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 844.40 करोड़ रही, जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 266 करोड़ रुपए थी। पहली तिमाही में कंपनी का खर्च 1,259 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल समान अवधि में 383 करोड़ रुपए था। Zomato का घाटा बढ़ने की एक वजह पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमत भी है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में कमी आई है। महंगे पेट्रोल की वजह से डिलीवरी की लागत बढ़ गई है। निवेशकों को लग रहा है कि भले ही कंपनी का घाटा बढ़ा है, लेकिन कारोबार में तेज बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। कोरोना काल में ऑनलाइन फूड कारोबार तेजी से बढ़ा है। अप्रैल जून के बीच भारत में फूड डिलीवरी कारोबार में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पहली तिमाही में भारत का फूड डिलीवरी कारोबार 4,540 करोड़ रुपए हो गया। Zomato के कारोबार में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए कई ब्रोकरेज फर्म इसमें खरीदारी की राय दे रही है। जेफरीज ने Zomato में खरीदारी की राय दी है, टारगेट 175 रुपए का दिया है। जेम फाइनेंशियल ने Zomato के लिए खरीदारी की रेटिंग दी है, साथ ही 12 महीने के लिए 170 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा UBS ने भी शेयर पर 165 रुपए का टारगेट दिया है। Zomato का मार्केट कैप अभी 1,00,000 करोड़ रुपए के पार है। मार्केट कैप के मामले में Zomato देश की कई दिग्गज कंपनियों से आगे निकल गई है। Zomato की बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। वैसे भी भारत में ऑनलाइन फूड कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। स्विस ब्रोकरेज का मानना है कि Zomato का रेवेन्यू 40% से ज्यादा का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR देगा, जिससे ये इस क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनियों में से एक बन जाएगी। रेडसी के अनुमान के मुताबिक भारत में फूड सर्विस बिजनेस 2025 तक 818,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जिसका फायदा Zomato को मिलेगा। 2025 तक Zomato की इस कारोबार में 40% तक की हिस्सेदारी हो सकती है। अभी भारत में 5 से 7 करोड़ लोग ही ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जबकि चीन में 50 से 55 करोड़ और अमेरिका में 10 से 12 करोड़ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इसका फायदा Zomato को सीधे सीधे मिलेगा। इसीलिए ही कहा जा रहा है कि लंबी अवधि में Zomato का शेयर निवेशकों को मोटी कमाई करा सकता है।